ओपन कर लेना, ओपन करने में दोस्तों को प्लस वाला आइकन पे करना है, क्लिक करना है आपको 16:9 को कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करना दोस्तों आपको जाना है एक मीडिया में, फिर जाना है आपको इस वीडियो देखो कर लेना सिलेक्ट, उसके लिए आपको डिसीजन मिल जाएगी। एंड इसको भी कर लेते हैं सिलेक्ट, एंड लेते हैं हम बैक। बैक लेने का तो इसको प्ले करके देख लेते किस तरह का हमारा वीडियो है ये। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का हमारा वीडियोस पे आपको एक ट्रांजिशन ऐड करते हैं, ऐसे हम लगा लेते हैं चेकर फ्लिप्स को लगा देते हैं, इसको कर लेते हैं 1.5 सेकेंड। 5 सेकेंड करने के बाद आपको ले लेना है बैक। बैक लेने के बाद आपको उस वीडियो को आगे आना है, एंड आपको जाना है लेना पे आना आपको मीडिया। मीडिया में आने के बाद आपको इस पीएनजी को कर लेना है ऐड। ऐड करने के बाद आपको इस पीएनजी को थोड़ा कर लेना छोटा, एंड आपको यहाँ से इस वीडियो को आपको कर देना है यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे, एंड आपको कर देना है इसको इक्वल इक्वल कर लेने के बाद आपको क्रॉपिंग कर लिया, एंड आपको ले लेना है बैक। बैक लेने के बाद आपको इस वीडियो को अपने फोटो सिलेक्ट किया था इसको कर लेते आपको यहाँ पे बड़ बड़ एड। एड करने के बाद आपको जाना है इन एनिमेशन, एनिमेशन में आने के बाद आपको इस ड्रॉप के एनिमेशन को लगा देना है आपको, एंड आपको 1.0 का रेशियो कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको ले लेना है बैक। बैक लेने के दोस्तों आप प्ले करके देख लेते हैं, एंड आपको यहाँ पे कर देना है 15.4 पर कर देना है क्लिक, एंड आपको जाना लेना फिर आपको मीडिया। मीडिया में आने के बाद आपको इस पीएनजी को लेना है ऐड। ऐड करना दोस्तों इसको छोटा कर लेते हैं पीएनजी को, एंड इसको यहाँ पे कर लेते हैं एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे भी आपको कोई भी एनिमेशन लगा दें, ऐसे लगा लेते हैं इसको इंटरेस्ट लाइट राइट, एंड इसको कर लेते हैं 0.5 सेकेंड। एंड इसका भी एक डुप्लीकेट लेयर निकाल लेते हैं, डुप्लीकेट लेयर निकालने के बाद आपको इसको हम रोटेट कर देते हैं। रोटेट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे वापस से एनिमेशन लगा देना, आपको लगा लेते हैं इंटरेस्ट लाइट लेफ्ट। प्ले करके देख लेते हैं, एंड इसको लगा लेने के बाद आपको जाना लेना फिर आपको मीडिया। मीडिया में आने के बाद आपको इस आर पिंजो कर लेना है ऐड। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है बराबर का, एंड थोड़ा इसको स्मॉल कर लेते हैं। स्मॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है, एंड आपको यहाँ पे वापस आपको एक और पिंजो को कर लेना है ऐड। इसे हम कर जाते हैं फिर इस एस पिंजो कर लेते हैं ऐड। ऐड कर लेना दोस्तों उसको वीडियो को बराबर इस पिंजी के बराबर आपको इसको यहाँ पे ये कर लेते हैं ऐड। ऐड इस पिंजो को हमने इक्वल कर लिया। इक्वल कर लेने के बाद आपको थोड़ा और आगे आपको चले आना है। आने के बाद आपको जाना लेना भी है ना आपको मीडिया। मीडिया में आने के बाद आपको वापस इस पिंजी एस को कर लेना आपको सिलेक्ट, एंड आपको आपको कर लेना है एडजस्ट। जो हमारी एस की पिंजी थोड़ी इसको थोड़ा आपको इसको छोटा कर लेना, आपको यहाँ पे बराबर सेट नहीं हो रही है। हाँ यहाँ पे परफेक्ट सेट हमारी हो चुकी है। जो हमने इसकी पिंजो कर लेते हैं सिलेक्ट, उसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेना दोस्तों आपको इसको बराबर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको इस आर्क को कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने आपको यहाँ पे थोड़ा इन एनिमेशन लगा लेना है, एंड थोड़ा आगे आपको चले आना। आगे आने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रेस रख देना। प्रेस रख लेने के बाद आपको यहाँ पे वापस बैक चले आना है जो पेड़ रोड पे है, इसको कर लेना है आपको थोड़ा रोटेट, एंड आपको थोड़ा इसको जूम कर लेना। जूम कर लेने के बाद आपको एंड ले लेते हैं बैक। बैक लेने के बाद आपको बैक लेने के बाद आपको वापस इसे पिंजो कर लेना है ऐड। ऐड कर लेने के बाद आपको वहाँ पे भी इन एनिमेशन सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद आपको इस जैसे हमने पिंजी सेट किया था यहाँ पे उसको भी यहाँ पे एक की प्रेस कर देना। प्रेस कर लेने के बाद आपको पहले कि रखा था वहां पे चले जाना है। आपको चले आने के बाद आपको इसको भी थोड़ा आपको रोटेट कर लेना। रोटेट कर लेने के बाद आपको इसको भी आपको बराबर परफेक्टली जूम कर लेना है। जूम कर लेने के बाद आपको इसको आपको परफेक्टली सेट कर लेना। सेट कर लेने के बाद आपको परफेक्टली इसको सेट कर लिया। सेट कर लेने के बाद आपको
यहाँ पे आपको इन एनिमेशन लगा दे, एनिमेशन लगा देते रबर स्टम्प, इसको हम 0.5 कर लेते हैं। कर लेने के बाद आपको थोड़ा इसको और आगे आपको थोड़ा परफेक्टली एडजस्ट कर लेना है आपको। एंड आपको थोड़ा यहाँ पे भी एक एनिमेशन लगा देना, जैसे हम कर लेते की को कर लेते प्रेस। एंड थोड़ा और प्रेस कर लेते हैं इसको, एक और की रख देते हैं। थोड़ा और आगे करने का आपको एक और की रख देना है। एंड आपको बीच वाले डॉट पे कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे भी आपको इसको जूम कर लेना। जूम कर लेने के बाद आपको यहाँ परफेक्टली हमारा इन एनिमेशन सेट हो जाएगा। एंड आपको वापस जाना लेयर पे। एंड आपको मीडिया, मीडिया में आने के बाद आपको इस पिक्सेल ऐप के जो हमने टेक्स्ट एडिट किया था उसको कर लेते हैं सिलेक्ट। एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको एडजस्ट। एडजस्ट कर लेने के बाद आपको भी यहाँ पे एक एनिमेशन लगा देने, लगा लेते हैं हम इसको रबर स्टम्प। एंड इसको भी 0.5 कर लेते हैं। कर लेने के बाद आपको एंड थोड़ा इसको थोड़ा पीछे ले लेते। पीछे लेने के बाद आपको वापस आना लेने पे। आना आपको मीडिया, मीडिया में आने के बाद आपको इस तलवार की पिंजो कर लेते हैं ऐड। ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसको हम जो हमने इस पिंजो कर लेते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। फ्रंट कर लेने के बाद आपको इसको भी कर लेते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। एंड आपको इस तलवार की पीएनजी को लगा देना। आपको इन एनिमेशन लगा लेते हैं, जैसे स्लाइड डाउन। यहाँ पे भी हम इसको एनिमेशन सेट कर लेते हैं, जैसे हम कर लेते हैं इसको 0.5। फाइव को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको थोड़ा और आगे आपको चले आना है। आने के बाद आपको जाना लेयर पे। आपको मीडिया में, मीडिया में आने के बाद आपको इस लाइन पे एंजॉय कर लेना है ऐड। ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा इसका आपको कैपेसिटी को कर लेते हैं थोड़ी कम, जैसे कर लेते हैं इसको आधे से आधा 56 सेकंड कर लेते हैं, 54% कर लेते हैं। इसको भी आपको ले लेना है। फिर आपको जाना है इन एनिमेशन सेट कर लेते हैं, लगा लेते हैं इसको इंटरेस्ट स्लाइड राइट कर लेते हैं। इसको 0.5 कर लेते हैं। कर लेने के बाद आपको इसका एक और डुप्लीकेट डुप्लीकेट लेयर निकालने के बाद आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे भी एडजस्ट कर लेना है आपको। एंड आपको इसका रोटेट कर लेना है। रोटेट कर लेने के बाद आपको वापस आपको एनिमेशन जो सेट किया था उसको हम कर लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट स्लाइड राइट। एंड इसको भी हम हमने राइट लिए सेट कर लिया। सेट कर लेने के बाद आपको ले लेना बैक। बैक लेने के बाद आपको जाना लेयर पे। आना आपको मीडिया, मीडिया में आने के बाद आपको इस वीडियो को लेते हैं सिलेक्ट। इसको आपको कर लेना फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन कर लेने के बाद आपको इस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना ब्लेंडिंग, इसको कर देना आपको स्क्रीन। इन्हें का प्ले करके देख लेते किस तरह हमारा इंट्रो वीडियो क्रिएट हो चुका है। एंड सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा कर लेना। छोटा कर लेने के बाद आपको यहाँ पे की प्रेस कर लेना। प्रेस कर लेने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे प्रेस एक और रख देना है। एंड आपको भी इसको थोड़ा घुमा लेना। घुमा लेने के बाद आपको थोड़ा यूं घुमा लेना है। थोड़ा और आगे प्रेस रख देते हैं इसको। फिर आपको थोड़ा इसको घुमा लेना है। घुमा लेने के बाद आपको वहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं। देख दोस्तों कुछ हमारे इस तरह का वीडियो इंट्रो क्रिएट हो चुका है। दोस्तों अपने चैनल के लिए इस तरह का इंट्रो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की डेली वीडियो देखने को मिलती रहे। जय हिंद।